नमस्कार दोस्तों, ओम शिव ओम शिव ओम शिव। दोस्तों आज तारीख है 29 जुलाई 2020, शुभ दिन है बुधवार का दिन, शुभ नक्षत्र है विशाखा, शुभ तिथि है दशमी। दोस्तों बुधवार का दिन गणेश जी का वार है। आज आप अपने जीवन में हर प्रकार के विघ्नों का नाश कर सकते हैं एक छोटे से सरल से उपाय के द्वारा। आपने क्या करना है, आज 4 लड्डू लेने हैं मोतीचूर के, देसी घी के बने हुए, 2 मीठे पान, ये लेके गणेश जी के मंदिर जाएं, अपने मन की इच्छा मन में धारण करें, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और 11 रुपये जरूर चढ़ा के आएं। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली हर तरह की परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। आप इस काम को लगातार 5 बुधवार कीजिए, डेफिनेटली आपके जीवन में हर प्रकार की विघ्नों का नाश होगा, आपको लाभ होगा, आपको फायदा होगा। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वाले दोस्तों आपको थोड़ा सा अपने क्रोध पे आज अंकुश लगाना है, जल्दबाजी पे अंकुश लगाना है। दूसरों से सलाह लेके अगर आप चलेंगे तो आज आप अपने जीवन में अलग तरह की तरक्की, अनुभव, खुशी महसूस करेंगे। थोड़ा सा क्रोध पे अंकुश लगाएं, दूसरों की सलाह से चलें, आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा, मंगलकारी जाएगा, कल्याणकारी होगा। वृष राशि, वृष राशि वाले दोस्तों आज खर्चे का दिन है आपका, परंतु खर्चा होगा अच्छी जगह के ऊपर, इसलिए खर्चे से डरे नहीं, प्रिपेयर रहें। आज खर्चे का दिन है तो कल कमाई का दिन भी आएगा, ठीक है जी। वृष राशि वाले, खर्चे का दिन है, थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, मन को शांत रखें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले दोस्तों आपके लिए आज कोई फरिश्ता आपका लाभ करवाने के लिए आ रहा है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके लिए लाभदायक है। गौशाला जरूर जाएं, आज मूंगी साबत दाल गाय को खिलाएं, आपके हर परेशानियों का अंत हो जाएगा, आपकी बिघने खत्म हो जाएंगी, आपके मार्ग दुरुस्त हो जाएंगे, रास्ते बढ़िया, आप आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले दोस्तों चंद्रदेव आज नीच के हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, थोड़ा सा द्वेष की भावना भी आपके अंदर पनप सकती है। लाभ के योजनाएं बने, बनता बनता लाभ हाथ से बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हैं आप। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज सफ़ेद चीज का दान करना आपके लिए जरूरी है, उपयोगी है, लाभकारी है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले दोस्तों आपके लिए आज गुड़ का दान करना, गौशाला में जाके गुड़ को खिलाना सभी मनोरथ को पूरा करेगा, व्यापार की दृष्टि से, सेहत की दृष्टि से, और मन में प्रसन्नता भी आएगी। अगर पत्नी से अनबन है तो कोशिश कीजिए भूरी गाय को गुड़ जरूर खिलाएं, परिवार का माहौल ठीक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मामले आपके हक में आने शुरू हो जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले दोस्तों आज का दिन आपके लिए बहुत कुछ नया लेके आ रहा है, पुरानी बातों को भूल जाएं, ज़्यादा अपने दिमाग में पुरानी बातों को घर मत करने दें, नया कुछ करें, नई योजनाएं बनाएं, आप सब योजनाओं में सफल होंगे, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, आपकी बिगड़ी सभी बन जाएगी। तुला राशि, तुला राशि वाले दोस्तों आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा ठहराव लेके आने वाला दिन है, ठहराव से सोच समझ के विचार से आप आगे बढ़ें, जल्दबाजी बिल्कुल मत करें, खर्च भी सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए अहम दिन है, कुछ ऐसी योजनाएं सफल होने वाली हैं जिनका फायदा आपको आने वाले समय में मिलेगा।
वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले दोस्तों वाहन भूमि इत्यादि से लाभ का योग है, शेयर मार्केट में नुकसान हो सकता है। आज बिल्कुल रिस्क ना लें, किसी प्रकार का भी रिस्क लेना आपके लिए घातक है, नुकसानदायक है। बड़े भाई की आज्ञा माने, उनकी सलाह से चलें, दिन बढ़िया जाएगा, कारोबार में लाभ होगा। धनुराशि, धनुराशि वाले दोस्तों केतुदेव के कारण थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है। धर्म और अधर्म की परिभाषा आप जानने की कोशिश करेंगे, विचलित मत होए, प्रयास जारी रखें, कोशिशें करते रहें, आपको लाभ होगा, आपको फायदा होगा, आगे आने वाला जीवन आपका कल्याणकारी होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले दोस्तों आज भूल के भी जल्दबाजी में कोई डील साइन ना करें। आज की जल्दबाजी आपको भविष्य में चिंता में डाल सकती है, दुखी कर सकती है, परेशानियां उभर के सामने आ सकती हैं। पार्टनरशिप से थोड़ा सा आज सतर्क रहें, सोच समझ के फैसला लें, किसी पे ज़्यादा विश्वास ना करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले दोस्तों आज धन का खर्चा ज़्यादा रहेगा, आप चिंतित भी हो सकते हैं, काम का बोझ भी आपको प्रेशर में डाल सकता है, परंतु कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। समय आपका बढ़िया चलने वाला है, अनुकूल है, हौसला बनाए रखें, दूसरों की सहायता करते रहना आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है। मीन राशि, मीन राशि वाले दोस्तों थोड़ा सतर्क रहें, मन को शांत रखें, कारोबार की स्थिति आपकी बढ़िया है। मछलियों को आटा डालना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है, कारोबार की स्थिति से बढ़िया कंडीशन में लेके आने के लिए। ये था दोस्तों आपका राशिफल, इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव।